तानाजी द अनसंग वॉरियर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। ये ऐतिहासिक फिल्म सिनेमा घरों में देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। तानाजी इस शूरवीर योद्धा की कहानी स्कूल के छात्रों को भी उचित तरीके से रूबरू हो जाए, इस उद्देश्य से भाजपा की नगर सेविका प्रभात पाटिल इन्होंने आयुक्त से पत्र के जरिए ये गुजारिश की कि ये फिल्म छात्रों को दिखाई जाए। देखो, हाल ही में एक चित्रपट आया है अजय देवगन का, उसका नाम है तानाजी द अनसंग वॉरियर, और उसमें शिवाजी महाराज के इतिहास पे बहुत उजाला डाला है उसके ऊपर। और शिवाजी महाराज के जो साथीदार थे, जैसे तानाजी मालुसरे थे, बाजू प्रभु देशपांडे थे, तो ये तानाजी मालुसरे का जो इतिहास है, तानाजी मालुसरे का जो पराक्रम है, जो उन्होंने कोंडाना किला सर करने के वक्त पे किया था, उसका पूरा हिस्ट्री उसमें बताया है। मुझे लगता है कि ये शिवराय का जो शौर्य है, जो उनका पराक्रम है, जो उनकी गाथा है, ये हर विद्यार्थी के पास पहुँचे, क्योंकि शिवाजी महाराज हमारे महाराष्ट्र के दैवत है। हम उनका इतिहास पढ़ते पढ़ते बड़े हो गए और उनका इतिहास से हम प्रभावित भी है। तो ये सब अगर दृक्श्राव्य माध्यम से, ऑडियो वीडियो से अगर उनके सामने आ जाता है तो उसका बहुत इफेक्ट करता है। हो सके उनमें से कुछ मात्रा में शौर्य और पराक्रम हमारे विद्यार्थियों में बच जाएगा तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। तो उसके बारे में मैंने लेटर लिखा था, आज कमिश्नर साहब ने वो मैक्सिस मॉल के मालिक के साथ में बात की, तो उन्होंने उसके ऊपर और एक कड़ी दिखाई कि उन्होंने वो फ्री ऑफ कॉस्ट में दिखाने की उनको ये आश्वासित किया है कि मैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट में विद्यार्थियों को दिखाऊंगा। तो अगले आने वाले हफ्ते भर में ये चित्रपट विद्यार्थियों को दिखाया जाएगा। और सुना है कि आज तो महाराष्ट्र शासन ने उसने उसको कर्म फ्री टोल फ्री भी किया है, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। प्रभात पाटिल इनकी विनती का आदर करते हुए आयुक्त इन्होंने ये फिल्म छात्रों को दिखाई जाएगी यह आश्वासन दिया।